हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ इस रिश्ते के बारे में। एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, जितने समय बाद भी आपके सामने आए आप इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर लेंगे। ओके स्पिरिट, हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। क्या चल रहा है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, नेक्स्ट सेक्शन क्या है। ऊपर वाला जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाए। जो भी बीमार है ऊपर वालों, सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी आप सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। हालाँकि ज़िंदगी इसी को कहते हैं कि दुख परेशानियाँ चलती रहती हैं, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी हमारा सब जवाब दे जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि हमें संभलना सीखना चाहिए। ठीक है, अगर हम अचानक से कभी गिर जाते हैं तो हम गिरे हुए उसी स्थिति में नहीं रह सकते ना। हम हमेशा उठते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, फिर हम आगे चल पड़ते हैं। यही चीज़ हमें ज़िंदगी के साथ भी करनी चाहिए। ओके, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। काफ़ी समय बाद मैं इंस्टाग्राम पर आई हूँ, मतलब कि मतलब अभी रीडिंग के लिए मैंने एक अलग इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, और वन कार्ड रीडिंग एंड कुछ रेमेडीज़ में वहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, जजमेंट आपके मुझे ऐसा लगता है, बताने क्यों आप लोगों को, आपके रिश्ते को तो, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एक और कार्ड है। हाँ, मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, मैं ठीक है। द मून, देखिए गाइज, आप लोग के दिल में बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जो आप तक अब तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। ओके, और सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी, कि उनके भी दिल दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं, थर्ड पार्टी का नाम लिया, थर्ड पार्टी आ गए, इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि वो अब आपको आकर ना उसकी थर्ड पार्टी की बुराई करना चाहते हैं आपके साथ आकर। हालांकि आपके पार्टनर ने जब आपसे ब्रेकअप किया, अभी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपकी हेल्थ पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये बात तो सही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से तंग आकर उससे निकलना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं पूरी तरह से, और आपको आकर वापस से ऑफ़र करेंगे यहाँ पर आपका प्यार। आपने जो प्यार किया है, आपने जो इंतज़ार किया है, या फिर आपने जो मंत्र चैंट किए हैं, जितना वेट किया, उस सब का सिला ऊपर वाला देगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, टू ऑफ कप्स, ऊपर वाला करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आपके पार्टनर वापस लौट कर आ जाए और आपको बहुत 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 सारी खुशियाँ मिलें और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। कमिटमेंट रिसीव करेंगे आप, इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखिए, हाँ दिख रहे हैं आपको कार्ड। मुझे लगा था मैं कोई और डेक भी यूज़ करूँगी, लेकिन सेवन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। इस रिश्ते में आपके आपसे चांस मांगेंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले। कुछ तो मैरिड हैं तो ऑब्वियस है एक दूसरे के साथ आप कुछ अच्छा पार्टी कर सकते हैं, कहीं तो जा सकते हैं, और सिंगल हैं तो ऑब्वियस है एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शादी में आएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ शादी हो जाएगी आप दोनों। ओके, यहाँ पर मुझे फैमिली इशूज़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आप लोगों के बीच। ठीक है, फैमिली इशूज़ की वजह से ही आपके पार्टनर ने आपका साथ भी नहीं दिया, ना ही अपनी फैमिली तक ये बात पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश की कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने फैमिली का बहाना बना के आपसे दूरी बना ली। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा दिखाया आपको, लेकिन उन्हें ये चीज़ पता थी कि वो आपका साथ नहीं देना चाहते। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि सामने वाला पर्सन आपको आपके साथ रिलेशनशिप में है और कहीं ना कहीं वो ये सोच के बैठा है कि आपके साथ शादी नहीं करनी है बस। और अगर शादी उन्होंने आपसे कर भी ली थी तो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने एक्स के साथ बातचीत करते, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपके पार्टनर जब ना इन ये सब चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली आपके पार्टनर ने, तो उन्हें ये चीज़ समझ आई कि आपके जितना सच्चा इंसान कोई भी नहीं है। उन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि यहाँ जो भी थर्ड पार्टी थी ना गाइस, उससे आपके पार्टनर अच्छे खासे तंग आ चुके हैं। अब वो फैमिली हो सकती है, पर्टिकुलर कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको छोड़ दिया, जबकि आप अपने पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता ऐसा है कि मुझे कमिटमेंट मिल जाएगा, ये वही पार्टनर है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ। सेम ये चीज़
आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ सोची थी, लेकिन क्या है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी ने उनको साथ नहीं दिया, कमिटमेंट की बात आती है, थर्ड पार्टी आगे बढ़ गई। ये सोच के आपके पार्टनर की हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ा। जब आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चली तो उन्हें भी चाहिए अब जजमेंट, वो चाहते हैं उनकी लाइफ हील हो जाए, लेकिन यहाँ पर उनको आपके पास लौट कर आना है। वो दो सिचुएशंस में फंस चुके हैं, आपके पास आने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि आप इजीली उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया है, इसका सदमा उनको लगा है भाई बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर को, उनको वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा है कि वो उनकी हेल्थ नहीं सुधर पा रही है। ओके, थोड़े से आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं आपके पार्टनर से आपके, उसका आपको अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा। द मून की एनर्जी जो दिखाती है कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारे सवाल और जवाब हैं इस वक्त, आपको लेकर भी, इस रिश्ते को लेकर भी। सवाल जवाब किस तरीके के हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें, वो जैसे ही आपके पास आएंगे उन्हें आपके सवालों को जवाब देना पड़ेगा, तो अपने दिल की बात भी वो आपके सामने रखना चाहते हैं कि उन्होंने ये सब ड्रामा क्यों किया था। ठीक है, डेविल एनर्जी थर्ड पार्टी से वो हद से ज़्यादा ही, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में थे या मैरिड थे और आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, इस रिलेशनशिप में आपको इतने दिलासे और तसल्ली दी कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। तो यहाँ पर है द डेविल की एनर्जी जो दिखाती है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेविल एनर्जी अब आप दोनों को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकती, बहुत जल्दी डेविल एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपके पार्टनर अगर आपको प्यार ऑफर करेंगे, आप रिसीव करेंगे आपके पार्टनर से अपना कमिटमेंट और प्यार। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है और ये गाइडेंस उन्हें मिल भी रही है। गॉड किसी न किसी रूप में उनको ये गाइडेंस दे रहा है, हो सकता है किसी पर्सन के थ्रू मिल रही हो, किसी कोई एस्ट्रोलॉजर हो या उनके अंतरात्मा, कहते हैं ना कभी कभी हम दिल की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपकी अपने दिल की भी बात सुनेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ प्यार ऑफर करेंगे अपना आपको। एनर्जीज इतनी खूबसूरत हैं, मुझे बोलने बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस टॉपिक पर। बहुत जल्दी रिसीव करेंगे आप अपने पार्टनर का प्यार, आपके पार्टनर का कमिटमेंट, एक साथ रीयूनियन, ये सारी चीज़ें हम आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है पता है? सभी को पता होगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, इस रिश्ते में एकदम पॉजिटिव रहना है। जो भी लोग ये रीडिंग देखेंगे डेफिनेटली उनके पार्टनर से उनका रीयूनियन होगा, शादी होगी, भैया कमिटमेंट अपना अपने पार्टनर से रिसीव करेंगे। इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी क्या होगी? ऊपर वाला करे जल्दी आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। ओके, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। रीडिंग पसंद आई है तो हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और पॉजिटिव रहें अपने रिश्तों को लेकर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, बाय बाय।